हेलो दोस्तों, क्या इस दिवाली में जो बाहर काफी पटाखे फूटते हैं, जैसे कि बड़े बड़े बॉम्ब फूटते हैं या फिर फायर क्रैकर्स का बहुत बड़ा साउंड होता है, तो उससे आपका डॉग जो है वो डरता है या फिर एक कोने में चला जाता है या फिर बेड के अंदर चला जाता है, ऐसा शिवरिंग करता है, मतलब ऐसा कांपने लगता है, कभी कभी वो यूरिन पास कर देता है, खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है और एक्सट्रीम लेवल पे कभी कभी उसको बुखार भी आता है। तो आज मैं आपको इस दिवाली में जो पटाखे फूटते हैं बाहर और जिसका बहुत बड़ा साउंड होता है और उस वजह से आपका डॉग डरता है, उसके लिए 6 सबसे बेस्ट टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश नार्वेकर। मैं एक सर्टिफाइड अवार्ड विनर डॉग ट्रेनर हूँ। पिछले 19 साल में मैंने डॉग को ट्रेन करके कम से कम 2000 से भी ज़्यादा फैमिलीज को हैप्पी किया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो दिवाली में बाहर बड़े बड़े फटाके फूटते और जिसका साउंड होता है जिससे आपका डॉग डरता है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपको पता है कि अपने ह्यूमन की जो सुनने की जो शक्ति रहती है, सुनने की जो शक्ति रहती है वो 64 मतलब 23,000 हर्ट्ज तक रहती है, बट डॉग की जो सुनने की जो शक्ति रहती है वो 67 मतलब 45,000 हर्ट्ज इतनी रहती है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो पटाखे फूटते हैं बाहर, उससे डॉग को अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ होती होगी। तो इस रिलेटेड 6 टिप्स अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो मेरी टिप नंबर 1 ऐसी है कि अगर जैसे ही बाहर पटाखे फूटने चालू हो गए दिवाली के सीजन में बोल सकते हो या फिर क्रिसमस में, कभी भी, ओके, तो आपको क्या करना है, आपके घर के जो दरवाजे हैं वो कंप्लीट बंद करने हैं, विंडोज जो है, जो खिड़कियां हैं वो कंप्लीट बंद रखने हैं, ओके, और हो सके तो आपके विंडो के बाहर जो कर्टेंस जो रहते हैं, है ना, जो कपड़े जो रहते हैं, हम डेकोरेटिव जो कपड़े कर्टेंस जिसे बोलते हैं, वो अगर हेवी रहेंगे, थोड़े ऐसे थिक रहेंगे, तो वो जो आने वाला जो साउंड है वो उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम होते आएगा, ओके। तो ये टिप नंबर 1 है। दूसरी टिप ऐसी है, ये सबसे बेस्ट टिप है, एक आता है ये ऐसे हिमालय का एंजो केयर करके एक मेडिसिन आता है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ओके, हर्बल मेडिसिन है, इससे डॉग को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि डॉग को जो एंजाइटी रहती है या फिर डॉग का जो फियर जो रहता है वो कंट्रोल में आता है, ओके। तो आपको ये टैबलेट्स, एक जो बॉटल्स जो रहती है उसमें 60 टैबलेट्स आते हैं, आपको क्या करना है, दिवाली के 2 से 3 दिन पहले ही ये टैबलेट्स उसको देने चालू करना है। पूरे दिन में एक टैबलेट्स या फिर अगर आपका डॉग बड़ा है और ज्यादा ही घबरा रहा है तो आप 2 टैबलेट्स उसे दिन में दे सकते हो, ओके। तो दिवाली से 2-3 दिन पहले ये टैबलेट्स आपको स्टार्ट करनी है और दिवाली के बाद भी 2-3 दिन तक उसको ये टैबलेट्स देनी जरूरी है। इससे क्या होगा, आपके डॉग का जो फियर रहता है, ओके, जब भी वो घबराता है, शिवरिंग करने स्टार्ट करता है, तब क्या होता है, डॉग के जो वेंट्स रहते हैं मतलब जो नस रहती है वो स्टक होती है, ओके। तो ये जो टैबलेट्स है वो उसे खोल देती है और आपका जो डॉग है वो थोड़ा सा फियरलेस हो सकता है, ओके। तो ये सबसे बेस्ट टिप मैं आपको अभी, ये सेकंड जो टिप है वो आप जरूर कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तीसरी टिप मेरी ऐसी है कि एक्सरसाइज देनी है, ओके, अर्ली मॉर्निंग उसको लेके जाइए और उसको अच्छे से अच्छा एक्सरसाइज दे दीजिए, उससे अच्छे से अच्छा थका दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डॉग है वो जो बाहर से जो साउंड आता है ना, उसमें अगर एनर्जी रहेगी, वो जो बाहर जो क्रैकल्स, फायर क्रैकल्स का जो साउंड रहता है, जो बड़ा बड़ा साउंड रहता है, वो उससे डरने स्टार्ट करेगा, जो उसके अंदर की एनर्जी है वो ऑब्जर्व करने में लगी रहती है कि बड़ा साउंड हुआ तो उसे डरना है, ऐसा वो अंदर से फील करता है।
तो आपको क्या करना है, आपके डॉग का जितनी भी बॉडी में एनर्जी है वो डाउन करनी है। तो कैसे करनी है, तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे घर के अंदर भी एक्सरसाइज कर सकते हो। बॉल फेंको, फेच करके लेके आएगा, आपके हाथ में दे देगा, ऐसे 10-20 बार करो, उसको पूरा थका दो। या फिर अगर आपके घर पे ट्रेडमिल है, ओके, जिसपे हम वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो ट्रेडमिल पे भी अगर आप आपके डॉग को भगाओगे, अच्छे से एक्सरसाइज दे दोगे, तो ये जो बाहर से जो साउंड आता है उससे डॉग को उतनी तकलीफ नहीं होगी, वो रिलैक्स में सोते रहेगा क्योंकि वो थका हुआ है। तो ये टिप नंबर 3 है। चौथी टिप मेरी ऐसी है कि आपके डॉग को अच्छे अच्छे ट्रीट्स उस दौरान दिया करो। जैसे ही बाहर शाम के टाइम पे अगर ज्यादा फटाके आतिशबाजी है या फिर फटाके फूट रहे, बड़े बड़े क्रैकर्स का साउंड हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि आपको आपके डॉग के लिए बेस्ट हाई ड्राइव वाले ट्रीट्स यूज करने। अभी हाई ड्राइव वाले ट्रीट्स में मतलब क्या है, आप उसे चिकन के ट्रीट्स दे सकते हो, या फिर चिकन बॉयल चिकन करके दे सकते हो, चिकन सॉसेजेस दे सकते हो, चिकन लीवर आप उसको दे सकते हो, बॉयल एग्स जो रहते हैं वो दे सकते हो, जिसमें हाई ड्राइव रहती है। एक जर हाई के ट्रीट्स आते हैं, ऐसे स्टिक्स रहते हैं, वो भी आप आपके डॉग को जब भी बाहर जब भी ज्यादा साउंड होता है तब ये उसे बिजी रखने में ऐसे ट्रीट्स आप दे सकते हो। आप बोलोगे कि मेरा डॉग वेज है, तो वेज में क्या दे सकते हैं, तो वेज में आप चीज दे सकते हो, सोयाबीन्स दे सकते हो, पनीर आप आपके डॉग को दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी बाहर फटाके ज्यादा फूटेंगे तब आपको आपके डॉग का जो माइंड है वो शिफ्ट करना है अच्छे अच्छे ट्रीट्स देके। ओके, वो ऐसा उसे फील होना चाहिए कि ये पार्टी चल रही है। ओके, तो ऐसे अच्छे अच्छे ट्रीट्स उसको जब भी बाहर, जैसे ही बड़ा कुछ फटाका फूटा, उसका साउंड आया, तब आपके डॉग को एंजॉय करने के लिए उसको ये ऐसे ट्रीट्स दिया करो। ओके, उससे क्या होगा, जैसे ही वो बाहर का जो साउंड रहता है वो उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिवली लेने स्टार्ट करेगा। जैसे ही उसको ट्रीट मिलेंगे, जैसे ही बाहर का साउंड आया उस वो और आपने उसे ट्रीट दे दिया, तो वो बाहर का जो बड़ा साउंड है वो धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिवली ले लेगा। ओके, तो ये थी टिप नंबर 4। अभी मैं टिप नंबर 5 आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई बाहर के साइड, मतलब विलेज के साइड जहां पे शांति हो, ऐसे कोई आपके कॉन्टेक्ट में अगर लॉजिंग बोर्डिंग है, तो आप जरूर वहां पे दिवाली से पहले ही उसे यूज टू कराने के लिए पूरे दिवाली वेकेशन में उसको जो बाहर का जो साउंड है उससे बचने के लिए ऐसे लॉजिंग बोर्डिंग में उसे रखा करो। ताकि क्या होगा, आप अगर प्रॉपर सिटी में रह रहे हो और बाहर तो आपको पता ही है कि कितने जोरदार फटाके बजते हैं, है ना, तो उससे बचने के लिए अगर आप आपके डॉग को एज ए दिवाली वैकेशन के लिए किसी विलेज, मतलब किसी दूर कहीं शांति ऐसे लॉजिंग बोर्डिंग जहाँ पे है, वहाँ पे आपको आपके डॉग को दिवाली वैकेशन के लिए रखना है। ओके, तो ये थी टिप नंबर 5। टिप नंबर 6 ऐसी है कि आपके डॉग को बिजी रखने के लिए, इस दिवाली में बिजी रखने के लिए आपको क्या करना है, उसे टॉयज देने, अच्छे अच्छे नए नए टॉयज लेके आ जाइए आप। ओके, या फिर पजल गेम्स भी आते हैं वो, उससे आप आपके डॉग को बिजी रखिए, या फिर आर्टिफिशियल ईटेबल बोन आते हैं, च्यूई स्टिक्स आते हैं, वो उसे दिया करिए। ओके, आप बोलोगे कि सर वो हमने काफी सारे टॉयज उसके सामने रखे है, बट वो बिल्कुल उसे इंटरेस्ट से वो खेलता नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको और एक सजेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। 24 आवर्स उसके सामने वो टॉयज या फिर जो पजल्स है या फिर कुछ भी बोन है, वो 24 आवर्स बिल्कुल मत रखिए। जब भी आपका डॉग थोड़ा ऐसा डर जाएगा या फिर कुछ भी अलग रिएक्ट करने लगेगा, बाइट करने लगेगा या फिर कुछ भी करने लगे, तो उसे रिलीव करने के लिए उसे ये तभी निकाल के दे दीजिए। अदरवाइज ये पूरे के पूरे जो टॉयज है या फिर बोन्स है, ये पूरे के पूरे हाइड करके रखिए, छिपा के रखिए। ओके, और मैं एक टिप्स आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ही, ये एडिशनल टिप्स है, आप उसे 7 टिप्स भी बोल सकते हो, जब भी बाहर साउंड ज्यादा होगा,
ओके, तब आपको क्या करना है, आपके डॉग को पैम्परिंग करना है, उसके फोरहेड के ऊपर पैम्परिंग करना है या फिर उसके चेस्ट के ऊपर मसाज करना है, उसके बैक के यहाँ पे ऐसे मसाज करना है, तो डॉग थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट आपसे पाएगा। अगर आप जैसे ही वो डरता है, शिवरिंग करता है, तब अगर आप उसको मसाज दे दोगे, एक एज अ थेरेपी मसाज अगर आप दे दोगे कि डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, ओके, ऐसा पैम्परिंग अगर आप करोगे तो डॉग एक आपसे पॉजिटिव एनर्जी, एक मॉरल सपोर्ट आपसे पाएगा और वो जो फटाकों के जो साउंड रहते हैं उससे थोड़ा सा कम डरेगा। तो ये थे मेरे दिवाली के या फिर कोई भी फेस्टिवल जो है, जब काफी सारा फटाके फायर वर्क्स जो होता है और जो साउंड होता है उससे डॉग डरता है, उस रिलेटेड टिप्स। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और थैंक यू वेरी मच।